तो बात करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहलो और कॉमा लॉजिक गेट्स। अच्छा तो पहले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब समझते हैं। डिजिटल का मतलब होता है डिस्क्रीट वैल्यूज, डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ से वोल्टेज। क्या मतलब? आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, उसको चलाना है तो आप क्या करोगे, कोई बैटरी यानी कि वोल्टेज का सोर्स लगाओगे, उससे करंट फ्लो होगी, सर्किट अपना काम करने लगेगा। अब हम जो वोल्टेज लगा रहे हैं उसकी वैल्यू हमारे कंट्रोल में, हम चाहें तो 2 वोल्ट लगाएं, 3 वोल्ट लगाएं, 2.5 लगाएं, 2.4 लगाएं, 4.9 लगाएं, 5 लगाएं, 6 लगाएं, सब हमारे कंट्रोल में। तो अगर हम अपने द्वारा लगाई गई वोल्टेज की वैल्यू कंटिन्यूसली वेरी कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू, जैसे कह दिया कि भाई 0 वोल्ट से 10 वोल्ट के बीच की कोई भी वोल्टेज मैं अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये एनालॉग सिग्नल है। ठीक है, एनालॉग सिग्नल क्या हुआ, जिसकी वैल्यू को किसी एक लिमिट से दूसरे लिमिट के बीच में कंटिन्यूसली वेरी कराया जा सके। मतलब जैसे कह दिया कि 0 से 10 वोल्ट, तो 0 से 10 के बीच की कोई भी वैल्यू ली जा सकती है, वोल्टेज अप्लाई करी जा सकती है, तो उसको कहते हैं कि ये एनालॉग सिग्नल है, एनालॉग वोल्टेज है। ठीक है, लेकिन अगर हम ये कहें कि यार ऐसा है कि मैं इस सर्किट में कुछ वोल्टेज तो लगाऊंगा, लेकिन जब तुम मुझसे कहोगे सर ये वोल्टेज थोड़ी बदलो, तो देखें जरा सर्किट का रिस्पॉन्स क्या रहता है, क्या होता है वोल्टेज अगर कम लगाई जाए, क्या होता है अगर वोल्टेज बढ़ा दी जाए, थोड़ा हमको देखना है ऐसा। तो तुम जब मुझसे कहते हो कि वोल्टेज को घटाओ बढ़ाओ, तो मैं कहता हूं ऐसा है देखो, वोल्टेज में चेंज तो कर सकता हूं, लेकिन 2 फिक्स वोल्टेजेस हैं, मैं उन्हीं के बीच में स्विच कर सकता हूं। जैसे मैंने 2 फिक्स वोल्टेज तुम्हें बता दी कि 0 वोल्ट और 10 वोल्ट, या तो मैं 0 वोल्ट लगाऊंगा या मैं 10 वोल्ट लगाऊंगा। तुम मुझसे को 5 वोल्ट लगा दो, तुम को 6 वोल्ट लगा दो, 5.5 लगा दो, 4.7 वोल्ट लगा दो, तो वो मैं नहीं अप्लाई करूंगा। सिर्फ 2 फिक्स वोल्टेज हैं, 0 और 10। कभी और कहीं और पर मैं वर्किंग कर रहा हूं तो वो फिक्स वोल्टेजेस कुछ और भी हो सकती हैं, 5 और 8 हो सकती हैं, कि या तो 5 वोल्ट लगाऊंगा या 8 वोल्ट लगाऊंगा, उसके अलावा कोई और वोल्टेज नहीं लगाऊंगा। तो इस टाइप से जो हम वैल्यूज लेते हैं उनको कहते हैं कि ये डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, और ऐसे में जो सिग्नल है या जो वोल्टेज है उसको हम क्या कहेंगे, डिजिटल बोलेंगे। ठीक है, तो एनालॉग का मतलब जहां पर किसी क्वांटिटी जैसे वोल्टेज है उसकी वैल्यू को कंटिन्यूसली वेरी कराया जा सके, और डिजिटल का मतलब कुछ फिक्स वोल्टेजेस हैं, 2 वोल्टेज फिक्स हैं, उन्हीं को के बीच में ही वेरिएशन हो सकता है, या तो 5 वोल्ट या 10 वोल्ट, कोई और वैल्यू नहीं ली जा सकती है। ठीक है, तो डिस्क्रीट वैल्यूज, ठीक है, कि जैसे हमने कहा कि यार ऐसा है कि हमारे पास कोई डिवाइस है, ठीक है, ये कोई डिवाइस है, इसको लेके हम काम कर रहे थे, और यहाँ पे हमने क्या किया, एक इनपुट वोल्टेज लगाया, ठीक है, VI, ये देखो ये VI यानी इनपुट वोल्टेज। अब VI कैन वेरी कंटिन्यूसली फ्रॉम से 2 वोल्ट टू 10 वोल्ट, कंटिन्यूसली मतलब कुछ भी वैल्यू ली जा सकती है, मतलब VI कैन बी 2, VI कैन बी 2.5, VI कैन बी 3, VI कैन बी 3.7, VI कैन बी 5.9, तो हम इसको कहेंगे ये एनालॉग सिग्नल है। ठीक है, और अगर हम ये कहते हैं कि VI कैन टेक ओनली 2 वैल्यूज, VI सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यूज ले सकता है, VI बराबर या तो मान लो 2 वोल्ट और VI बराबर मान लो 8 वोल्ट, बस, तो हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास है डिजिटल सिग्नल। अच्छा, डिजिटल सिग्नल की जहाँ पे भी बात होगी तो वहाँ पर हम क्या कहते हैं कि 2 जो वैल्यूज हैं उनमें से ये लो वोल्टेज है और ये हाई वोल्टेज है। ठीक है, या तो लो वोल्टेज या फिर हाई वोल्टेज। अब ये लो और हाई के ऑप्शन, जैसे यहाँ पे 2 और 8 है, कहीं और लो और हाई का मतलब 3 और 7 हो सकता है, कहीं पे लो और हाई का मतलब 0 और 10 हो सकता है, कहीं लो और हाई का मतलब -5 और +5 हो सकता है।
तो वो अलग अलग सिस्टम के हिसाब से हमने कहा, लेकिन अगर हम कहीं काम कर रहे हैं और बस दो फिक्स वोल्टेजेस ही हैं जिनके साथ हम डील कर सकते हैं, जिनको हम कहीं पे अप्लाई कर सकते हैं, तो हम कहेंगे कि ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्कस हो रही है। अच्छा, अब होता ये है कि जब लो वोल्टेज कहीं लगाते हो, कहीं पे हाई वोल्टेज लगाते हैं, कभी लो कभी हाई, कभी लो कभी हाई, तो ये पूरा पूरा बोलना पड़े कि अब आज मैंने यहाँ पर लो वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, अब मैंने हाई वोल्टेज कर दिया, फिर मैंने लो कर दिया, फिर मैंने हाई वोल्टेज कर दिया, अभी भी हाई लगा रहा हूँ, अब लो कर दिया है। तो ये बार बार ऐसे लो और हाई वोल्टेज बताने की जगह दो डिजिट्स इस्तेमाल कर ली जाती हैं। एक डिजिट होती है 0 और एक डिजिट होती है 1, जिससे लोग अपने आप समझ जाते हैं कि मैंने जो वोल्टेज अप्लाई करी है वो लो है या हाई। तुमने मुझसे कहा सर इनपुट कितना है, मैंने कहा 0, तुम अपने आप समझ गए लो वोल्टेज अप्लाई करी होगी मैंने, ठीक है। सर इनपुट कितना है, दोबारा पूछा, मैंने कहा 1, इसका मतलब तुम समझ गए हाई वोल्टेज लगाई गई होगी। अच्छा, फिर कोई भी सर्किट आप बनाओगे तो उसमें हमने कहीं पर कुछ वोल्टेज लगाई, कहीं दूसरी जगह हम उस सर्किट में कुछ वोल्टेज मीज़र कर रहे हैं, तो उसका भी मामला वही है कि जब हम लो या हाई वोल्टेज लगाते हैं तो वहाँ पे भी हमको या तो लो वोल्टेज मिलती है या हाई वोल्टेज मिलती है। तो हम उसके लिए भी फिर क्या, वही 0 और 1 का सिंबल यूज़ कर सकते हैं। लो वोल्टेज मिल रही है तो उसको 0 कह दिया, हाई वोल्टेज मिल रही है तो उसको सिंबल क्या दे दिया, 1, सही है। तो हम लो वोल्टेज को सिंबल क्या देंगे, 0, और हाई वोल्टेज को सिंबल क्या देंगे, 1, सही है। ये 0 और 1 काउंटिंग वाले 0 और 1 नहीं है, ये सिंबल्स हैं जो कि लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहिए। अब इसको लेके हम लोग जो है बहुत कुछ डिस्कस कर सकते हैं, बट हमारे को क्या करना है, हमारे को यहाँ पर कुछ स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की बात करनी है जिनको लॉजिक गेट्स कहते हैं, ठीक है। तो हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं जिनको लॉजिक गेट्स बोला जाता है, और जो ऐसी जगहों पर इस्तेमाल किए जाते हैं जहां पर हमें वोल्टेज की सिर्फ 2 वैल्यूज़ के साथ ही लेना देना हो, या तो लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज। कहीं किसी सर्किट में अप्लाई करोगे तो या तो लो वोल्टेज जो तुमने फिक्स कर रखी है या हाई अप्लाई करोगे, कोई और वोल्टेज नहीं लगाओगे। और उस सर्किट में कहीं पर हम कोई और जगह पर कुछ मीज़रमेंट कर रहे हैं कि यार यहाँ वोल्टेज कितनी है, वहाँ कितनी है, तो वो भी हमको इन्हीं दोनों में से ही कोई वैल्यू मिलेगी। जो हमने अप्लाई करी उसको हम इनपुट कह सकते हैं, और वहाँ पर जो हमको मीज़र हुआ या वहाँ जो मिल रहा है उसको हम क्या कह सकते हैं, आउटपुट कह सकते हैं। तो जो इनपुट और आउटपुट हमारे हैं वोल्टेजेस, वो यही लो और हाई वोल्टेजेस में हैं, तो हम क्या कहते हैं कि ऐसे सर्किट्स को जो इन वोल्टेजेस के साथ डील करते हैं उनको लॉजिक गेट्स कहते हैं। अब ये हमारा इंटरेस्ट इस बात में नहीं है कि ये लॉजिक गेट जो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं उनके अंदर क्या होता है, बस आपको ये बता दिया जाएगा कि ये एक डिब्बा है जिसके अंदर एक लॉजिक गेट है और वो ये काम करता है। वो काम उसके अंदर कैसे हो रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता, अभी नहीं है, आगे चल के कभी ज़िंदगी में आप पढ़ेंगे तब आपको जो है वो उससे भी लेना देना हो सकता है, चाहिए। अभी के लिए जैसे हमने वो पढ़ा था ना, कम्युनिकेशन पढ़ा था, तो उसमें बस मॉडल बना दिए जाते हैं, ये डिब्बा है, ये डिब्बा ये काम करता है, ये डिब्बा ये काम करता है, अब उसके अंदर वो क्या होता है, रजिस्टर लगाए, कैपेसिटर लगाए, इंडक्टर लगाए, क्या लगाए, डायोड लगाए, वो हमसे हम डिस्कस नहीं करते हैं, सही है। तो बस वही है, ये लॉजिक गेट का ही वही मामला, और अच्छी बात है कम डिस्कस करना है हमको अभी, ठीक है। तो कुछ खास नहीं है, ये लॉजिक गेट्स जो है वो पढ़े जाएंगे, ठीक है। तो हमने कभी ऐसा है, हम यहाँ पर सबसे पहले लॉजिक गेट में पढ़ते हैं नॉट गेट, ठीक है, नॉट गेट। नॉट गेट क्या, एक इस टाइप से सिंबल दिखाया जाता है, और इसमें ये कहते हैं कि ये एक इनपुट है और उधर जो है एक आउटपुट है। इनपुट को आपने लिखा ए और आउटपुट को लिखा जेड। जैसे नॉर्मली आप इनपुट वोल्टेज को वी आई लिखते हो, आउटपुट वोल्टेज को वी ओ लिख लेते हो, तो यहाँ पर वो इनपुट वोल्टेज को आपने वी आई ना लिख के ए लिख लिया, आउटपुट वोल्टेज को वी ओ ना लिख के
जेड लिख लिया, चाहिए। और ये जो नॉट गेट है इसका काम होता है कि अगर इनपुट पे हाई वोल्टेज लगाई जाए तो ये आउटपुट पे क्या करता है, हमें इनपुट हाई वोल्टेज करो तो आउटपुट पे तुमको क्या देता है, लो वोल्टेज। आउटपुट पे आपको लो वोल्टेज मिलेगी, और अगर इनपुट पे आप लो वोल्टेज लगाते हो तो आउटपुट पे क्या मिलेगी, हाई वोल्टेज। ये सिंपल सा काम ये नॉट गेट करता है। अच्छा, हमने कहा भाई ऐसा है, हम यहाँ पर ये जो लो और हाई वोल्टेजेस की बात हो रही है इनको सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनपुट पे लो हाई वोल्टेज लगाई मतलब ए बराबर वन, आउटपुट पे हाई वोल्टेज मिल रही है मतलब जेड बराबर, आउटपुट पे लो मिल रहा है मतलब जेड बराबर जीरो। इनपुट लो है मतलब ए बराबर जीरो, और आउटपुट हाई हो गया मतलब जेड बराबर वन हो गया। तो ये जो चीज़ यहाँ पर ऐसे बोल के कही गई है इसको एक सिस्टमैटिक तरीके से दिखाया जाता है जिसको हम बोलते हैं ट्रुथ टेबल, जिसको ट्रुथ टेबल बोला जाता है। और ट्रुथ टेबल में क्या होता है कि जो भी आपके इनपुट और आउटपुट है उनके जो भी केसेस होते सकते हैं उन केसेस को जीरो और वन के फॉर्मेट में शो किया जाता है, प्रॉपरली अरेंज किया जाता है। तो ट्रुथ टेबल जैसे ये नॉट गेट की है वो देखिए कैसे बनती है, ये इसका इनपुट ए आउटपुट जेड। इनपुट अगर जीरो होगा तो आउटपुट क्या होगा, वन, और इनपुट जो है वो अगर होगा वन तो आउटपुट क्या होगा, जीरो। ये नॉट गेट की ट्रुथ टेबल है। और नॉट गेट के लिए जेड और ए में एक रिलेशन लिखा जाता है ऐसे, जेड बराबर ए बार, ए के ऊपर बार लगा दिया जाता है और इसको कहते हैं ये नॉट गेट के लिए इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन है। अब इस नॉट गेट के अंदर क्या है, इसमें ट्रांजिस्टर हो सकता है, इसमें डायोड हो सकता है, रजिस्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, क्या है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बस एक ऐसा सर्किट है जिसके इनपुट पे आप हाई वोल्टेज लगाएंगे, 10 वोल्ट 8 वोल्ट लगा दिया तो आउटपुट क्या मिलेगा, 2 वोल्ट, और इनपुट 2 वोल्ट लगाओगे तो आउटपुट 8 वोल्ट मिलेगा, चाहिए। तो ये क्या करता है कि जो वोल्टेज लेवल है उसको पलट देता है, चाहिए। तो हम कहते हैं कि ये नॉट गेट है, ये सिंबल हो गया, ये आगे ये गोला लगता है और ये रिलेशन ऐसे लिखा जाता है और ये हो गई इसकी ट्रुथ टेबल। तो इसको नोट कर लीजिए, अरे ये क्या किया, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एस छूट गया यहाँ पे। हाँ और क्या, अरे इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। तो फिर जैसे नॉट गेट होता है इसमें क्या है कि एक इनपुट है। फिर आगे हम लोग गेट्स की बात करते हैं तो उसमें दो इनपुट जो है वो लेंगे और एक आउटपुट। तो ऐसे भी हमारे पास कुछ गेट हैं तो उनमें सबसे पहले हम देखते हैं और गेट। और गेट में क्या होगा, दो इनपुट और वन आउटपुट। अच्छा, और गेट ये कहेगा कि अगर दोनों इनपुट में से एनी वन और बोथ अगर हाई हो जाएंगे तो जो आउटपुट है वो भी मैं क्या कर दूंगा, हाई, और अगर बोथ लो होंगे, दोनों के दोनों क्या लो वोल्टेज हो जाएंगे दोनों इनपुट, तो ऐसे केस में जो आउटपुट है वो हमारा लो वोल्टेज मिलेगा। अच्छा, हमने कहा क्या मतलब है, ये देखिए ये इस टाइप से पहले तो ये सिंबल दिखाया, जो और गेट है उसका सिंबल ये रहा, ये दो इनपुट हैं ए और बी और एक आउटपुट है जेड, ठीक है। तो ए और बी ये हो गए हमारे इनपुट और जेड जो है ये हो गया आउटपुट। अब इनके लिए सबसे पहले ये जो बात कही गई है इसको क्या किया है, एक टेबल फॉर्म में दिखाएंगे जिसको कहेंगे ट्रुथ टेबल। बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये देखिए ट्रुथ टेबल ए बी और क्या जेड, ठीक। अब देखो क्या कहा जा रहा है कि ए और बी में से कोई भी एक लो हो, सॉरी कोई भी एक हाई हो या दोनों हाई हो तो आउटपुट क्या होगा, हाई, और दोनों लो होंगे तो आउटपुट क्या होगा, लो। दोनों लो का मतलब हो गया जीरो जीरो, तो आउटपुट क्या होगा, जीरो,
और दोनों में से एक भी हाई हो गया या दोनों हाई, तो एक भी हाई का मतलब ए और बी में से बी हाई हो गया, या फिर ए हाई हो गया बी लो है, या फिर दोनों हाई है, तो इन ऑल दिस केसेस जो आउटपुट है वो क्या मिलेगा, वन। ये और गेट की ट्रुथ टेबल हो गई। यहाँ पर वोल्टेज हाई वोल्टेज लगाओ, यहाँ हाई वोल्टेज लगाओ तो आउटपुट भी हाई वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। यहाँ हाई यहाँ लो तो ये हाई वोल्टेज, यहाँ लो यहाँ हाई तो ये हाई वोल्टेज, और दोनों लो होंगे तब जाके ये लो वोल्टेज मिलेगा। जेड ए और बी में रिलेशन ऐसे लिखा जाता है, जेड बराबर ए सम बी। ये इस टाइप से आप और गेट के बारे में बात कर सकते हैं, सही है। अच्छा, फिर हमने कहा भाई ऐसा है, हम यहाँ पर बात करते हैं नॉर गेट की। नॉर गेट जो है उसको ऐसे लिया जाता है कि और प्लस नॉट, और प्लस नॉट, एक और गेट लगाइए उसके आगे नॉट गेट लगा दीजिए। ये देखिए इस टाइप से, ये आपने और गेट लगाया, दो इनपुट है ए और बी, ये आउटपुट मिला, और इसके बाद नॉट गेट लगा दिए, ये नॉर गेट हो गया। इसका एक सिंबल भी होता है, मिला के दोनों को मिला के सिंबल ऐसे बनता है कि ये और गेट का सिंबल बनाइए और यहाँ आगे गोला लगा दीजिए, ये ए ये बी और ये क्या हो गया जेड, समझे। तो अब इसमें क्या होगा कि ये जो नॉर गेट है ये क्या करेगा, और गेट के आउटपुट को बिल्कुल पलट देगा। ध्यान दीजिए, आप इसमें क्या कहेंगे, आप इसमें कहोगे कि दो इनपुट हैं और एक आउटपुट है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ये तो कोई इशू नहीं है। अब ये दोनों इनपुट में से एनी वन और बोथ हाई हो जाएं, कोई भी एक या दोनों अगर हाई हो गए, कोई भी एक हाई है या दोनों हाई हैं, तो जो आउटपुट है वो आपको मिलेगा लो, और अगर दोनों हाई हो गए, सॉरी दोनों लो हो गए, बोथ लो, तो उस केस में आउटपुट क्या मिलेगा, हाई। हमने कहा भाई इसमें ट्रुथ टेबल बनाई जाए जरा, बिल्कुल ये देखिए ए बी और जेड, ऐसे ट्रुथ टेबल बनेगी क्या, कि जब कोई एक या दोनों हाई हो जाएं तो ये, और दोनों हाई लो होंगे तो ये, तो दोनों जीरो कर दो तो आउटपुट वन मिलेगा, और दोनों में से कोई एक हाई है या ये हाई है या दोनों हाई हैं तो आउटपुट लो मिल जाएगा, यानी कि जीरो। ये ट्रुथ टेबल हो गई किसकी, नॉर गेट की। इसमें ए और बी और जेड के बीच में रिलेशन ऐसे लिखा जाएगा, जेड बराबर ए प्लस बी के ऊपर बार। ये देखो ये ए प्लस बी करोगे पहले, यहाँ देखिए बात समझिए, ये है ए और बी, ये और गेट का आउटपुट यहाँ पर क्या होगा, ए प्लस बी, उसके आगे क्या लगा दिया नॉट, तो यहाँ पे तो ए प्लस बी होना चाहिए ना, और उसके बाद नॉट आएगा तो ए प्लस बी के ऊपर क्या लगा दोगे, बार। देख लीजिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, तो जेड बराबर क्या लिखोगे, ए प्लस बी और उसके ऊपर बार। और बेहतर से आप ऐसे दिखा सकते हैं कि मैं यहाँ पर अगर वाई लिख दूँ, यहाँ पर क्या लिख दूँ वाई, तो वाई बराबर क्या होगा, ए प्लस बी, और जेड बराबर क्या होगा, वाई का बार, तो जेड बराबर क्या लिखोगे, ए प्लस बी का होल बार, ठीक है। खैर वो ऐसे स्टेप बाय लिखने की जरूरत नहीं, इतनी बात तो ऐसी समझ में आती है कि ये ए और बी, ये ए प्लस बी हो गया, उसके ऊपर बार चढ़ गया, हो गया काम। तो आप चाहे ऐसे दिखा लो या ऐसे दिखा लो, वैसे इसका जो कॉमन सिंबल है वो ये और गेट के आगे एक गोला लगा दिया जाता है, जिसका मतलब और के आगे क्या है, नॉट। हालांकि नाम में नॉर है, इसका मतलब ये नहीं है कि नॉट पहले और बाद में, नहीं, और पहले नॉट बाद में, सही। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो जैसे ये और नॉर गेट हैं, इसी की तरह से हम एंड और नैंड गेट की बात करते हैं, एंड गेट और नैंड गेट। तो देखते हैं, इसी में थोड़ा सा चेंज करके मैं लिख चलता हूँ। ये हम आ गए एंड गेट पे, ध्यान दीजिएगा इधर एंड गेट, दो इनपुट होंगे और एक आउटपुट होगा। अब इसमें क्या होता है एंड गेट में, कि जब
दोनों में से कोई भी एक या दोनों इनपुट लो हो जाएं, तो आउटपुट लो मिलेगा, और जब दोनों हाई होंगे तब आउटपुट हाई होगा। दो इनपुट है, एक आउटपुट, दोनों में से एक लो है तो आउटपुट लो मिला, दोनों लो हैं तो भी आउटपुट लो मिलेगा। आउटपुट हाई चाहिए तो वो तभी मिलेगा जब दोनों इनपुट हाई होंगे। ये देखिए, इस टाइप से आप जो है वो सिंबल इसका बनाते हैं। ये आप एंड गेट के लिए जो सिंबल है वो यूं बनाएंगे, ये एंड गेट का सिंबल है, ए और बी इनपुट और जेड क्या आउटपुट। ठीक, ट्रुथ टेबल इसकी देखो कैसे बनेगी। ट्रुथ टेबल पे ध्यान दीजिए, ए बी और जेड, जब दोनों में से कोई एक भी जीरो हो जाए, लो मतलब जीरो, या दोनों जीरो हो जाएं तो आउटपुट क्या होगा, जीरो। दोनों जीरो या कोई एक जीरो तो आउटपुट क्या मिला, जीरो। और जब दोनों हाई होंगे यानी दोनों वन होंगे तब आउटपुट वन मिलेगा। सिंबल इसके लिए जेड बराबर क्या, ए बी। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है, जेड बराबर ए बी। चाहिए, दोनों हाई होंगे तब आउटपुट हाई मिलेगा, दोनों में से एक भी लो हो गया या दोनों लो हुए तो आउटपुट जीरो ही आएगा। अच्छा, फिर हमने कहा इसी में नैंड गेट हो जाता है, वो देखिए नैंड गेट। नैंड गेट का मतलब होता है एंड प्लस नॉट, एंड गेट में नॉट गेट आगे लगा दो। ये देखो ए और बी, इसके बाद लगाओ एंड गेट और एंड के बाद क्या लगा दो, नॉट। इस तरीके से भी दिखाया जाता है कि यहाँ पर ए आए बी आया और यहाँ पर लगाया एंड गेट और एंड के आगे गोला, एंड के आगे गोला मतलब नैंड, नॉट गेट मतलब नैंड गेट बन गया ये। इसमें दो इनपुट होंगे एक आउटपुट होगा, यस वही वाली बात। और इसमें आप अगर कोई भी एक या दोनों अगर लो हो गए तो आउटपुट आपको हाई मिलेगा, और अगर दोनों हाई हो जाएंगे तो आउटपुट लो हो जाएगा। बिल्कुल इसका उल्टा, यहां जो है बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां नॉट लग गया ना एंड के बाद, तो समझो एंड जो आउटपुट दे रहा था उसको पलट दो, यहां पे ये लो का क्या बना दो हाई, हाई का क्या बना दो लो। देख लो ये केस में इस आउटपुट लो था, अब उसी केस में हाई हो गया, और इसमें हाई है तो यहाँ पर हाई की जगह क्या, ये हाई था, हाई की जगह क्या हो गया आउटपुट लो। आप इसमें अगर ट्रुथ टेबल बनाना चाहें तो ट्रुथ टेबल देखिए कैसे बनेगी। दोनों में से कोई भी एक लो है या दोनों लो हैं, दोनों लो या कोई एक लो तो उस केस में आउटपुट हाई मिलेगा यानी वन, और अगर दोनों हाई हो जाएंगे तो आउटपुट जीरो हो जाए। आप अगर यहाँ पर ये दिखाएं कि भाई ये ए, ये है बी, ये वाई और ये जेड, तो वाई को क्या लिखोगे ए बी, और जेड को क्या लिखोगे वाई बार, यानी जेड को क्या लिखोगे ए बी बार। तो जेड को हम लिखेंगे ए बी बार। तो ये हमने बात करी एंड और नैंड गेट की, नोट कर लीजिए इसको। अच्छा, फिर एक और गेट है, वैसे तो हमसे मतलब नहीं है लेकिन अब जब इतने गेट पढ़ लिए तो एक बस रह जाता है तो उसे भी पढ़ लेना चाहिए, एक्स और गेट। एक्स और कह देते हैं या जोर गेट भी बोल देते हैं, जो चाहो वो कह लो। ठीक है, तो ये हो गया एक्स और गेट। ठीक, इसमें क्या होता है, वही टू इनपुट्स होंगे और वन आउटपुट होगा। ठीक, अब इनपुट का मामला ऐसा है कि वन इनपुट हाई और वन इनपुट लो, एक हाई एक लो, तो जो आउटपुट है वो आपको मिलेगा हाई, और अगर दोनों इनपुट हाई हो जाएं या दोनों इनपुट लो हो जाएं, ठीक है, तो उस केस में जो आउटपुट है वो हमको लो मिलता है।
अच्छा हमने कहा भाई इसका सिंबल कुछ इस टाइप से होता है, जो और गेट होता है वो बनाओ और ये पीछे एक लाइन एक्स्ट्रा है, तो बस ये आपका जो है वो इनपुट हो गया, ए बी और जेड हो गया आउटपुट, और ये हो गया जोर गेट, जोर गेट या एक्स और गेट, ठीक है। ए काम अभी इनपुट और जेड हो गया हमारा आउटपुट। अब हमने कहा भाई ऐसा है इसमें हम ट्रुथ टेबल जो है वो बना सकते हैं, यस बिल्कुल बना सकते हैं। ये देखिए ये ट्रुथ टेबल बनाएंगे, ए बी और क्या जेड, ये देखिए ए और बी के चार कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ये 0 0 0 1 1 0 1 1 ये हो सकते हैं भाई, ए की दो वैल्यूज हो सकती हैं 0 1, बी की भी दो वैल्यू हो सकती हैं 0 और 1, तो चार कॉम्बिनेशन इनके पॉसिबल हैं, दोनों 0 या ये 0 ये 1 या ये 1 ये 0 या दोनों 1, इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। अब इसमें एक हाई और एक लो होगा तो आउटपुट हाई, ये दोनों केस में आउटपुट क्या मिलेगा हाई, और दोनों लो होंगे या दोनों हाई होंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा 0। ये जोर गेट हो गया, जोर गेट के लिए आप ऐसे लिखते हैं, सिंबल लिखते हैं यूं, जेड बराबर ए और इसको बोलते हैं डायरेक्ट सम, ए डायरेक्ट सम बी प्लस और वाला जो प्लस होता है उसमें गोला लगा दिया बस, तो इसका मतलब है जोर गेट है, दोनों में से एक हाई होगा तब हाई मिलेगा, दोनों हाई या दोनों लो, दोनों हाई या दोनों लो तो आउटपुट 0 यानी लो वोल्टेज मिलेगा। ये बात हो गई हमारी जोर गेट की, ठीक है। तो फिर हम लोग ये बात कहते हैं, लिख लेना अभी पहले सुन लो, ठीक है टाइम तो मिलता ही लिखने के लिए, पहले सुन लीजिए। फिर हम ये कहते हैं कि जो हमने और गेट और जो एंड गेट पढ़े हैं और कुछ भी चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है, तो उनको लेके कुछ बात बताई जाती है, वो देखिए क्या है। जैसे आपने लिखा जेड बराबर, जैसे आपने एक गेट लिखा मान लीजिए नॉर गेट, तो नॉर गेट में क्या होता था, जेड बराबर ए प्लस बी के ऊपर बार, यही तो होता था। और गेट क्या, ए प्लस बी उसके ऊपर बार लगा दिया, ये क्या हो गया नॉर गेट हो गया, ठीक है। तो हम लोग जो है इसकी जो ट्रुथ टेबल है वो बनाते हैं, चाहिए या मतलब बना चुके हैं, फिर बना रहा हूँ एक बार, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नया काम कर रहे हैं, वही काम दोबारा कर रहे हैं, ए और बी और ये जेड, जरा इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं, ठीक है। ये देखो ये चार ऑप्शन, चार केसेस हो सकते हैं ए और बी के कॉम्बिनेशन के, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, सही है, यही तो चार केस हो सकते हैं। अब इसमें अगर सिर्फ ए प्लस बी होता तो क्या होता, ए प्लस बी होता यानी और गेट होता, तो जो आउटपुट है वो क्या, दोनों 0 तो आउटपुट 0, और दोनों में से एक भी 1 हो गया या दोनों 1 हो गए तो आउटपुट 1। हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम नॉर गेट की बात कर रहे हैं, मतलब इस पे बार लगाने की, तो ये जो आउटपुट है इसको पलट दो भाई, तो ये हो जाएगा 1 और ये तीनों क्या हो जाएंगे 0 0 और 0, ठीक। हाँ अब मैंने क्या किया, मैंने एक एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा, जेड बराबर ए बार इंटू बी बार, चाहिए। जैसे ये यहां पर नॉर गेट कैसे बनता है, ये आपने और गेट लिया और उसके आगे क्या लगा दिया नॉट, ये बन गया नॉर, सही है, यूं और के आगे गोला और बन गया नॉर, ये सब अभी हमने बनाया था, फिर से बनाया। अब मैंने कहा मान लो मैं लिखता हूं जेड बराबर ए बार बी बार, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखो पहले समझो क्या है, ये एक एंड गेट लेंगे और एंड गेट का आउटपुट जेड होगा और एंड गेट के इनपुट कौन होंगे, ए बार और बी बार, बताओ सही है कि नहीं सही है। अरे जेड बराबर ए बी अगर लिखते तो इसका मतलब होता है इनपुट होगा ए और बी, और जेड बराबर ए बार बी बार लिख दिया तो मतलब इनपुट कौन है, ए बार और बी बार, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है।
अब ए बार कैसे मिलेगा, मान लो तुम्हारे पास ए है और तुमको चाहिए ए बार, तो क्या करोगे, नॉट लगाओगे, तभी तो ए बार मिलेगा। और बी बार कैसे मिलेगा, तुम्हारे पास है बी और तुमको चाहिए बी बार, तो क्या करोगे, नॉट लगा दोगे, हो गया बी बार। तो इस टाइप का जो है वो हमने क्या किया, एक सर्किट बनाया, एक ये सर्किट है हमारे पास, एक वो है, ठीक है। अब मैंने कहा ऐसा है, जरा उसमें ट्रुथ टेबल बनाते हैं, उसमें ट्रुथ टेबल बनाते हैं। चलो भाई ट्रुथ टेबल बनाओ, ए बी, ठीक है, ए और बी। हमने कहा यार यहाँ तो ए बार और बी बार हैं इसके इनपुट पे, तो एक काम करो ए बार बी बार लिख लो, और आउटपुट के तौर पे जेड। ये दोनों जीरो जीरो वन, वन जीरो वन वन, ये चार केसेस हो सकते हैं, चार कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। तो ए इनमें क्या होगा, ए बार क्या हो जाएगा वन, बी बार वन, वन जीरो जीरो वन जीरो जीरो। अब एंड गेट क्या करता है, एंड गेट क्या करता है, ये देखो, अब ये भूल जाओ, अब ये सोचो एंड गेट है, एंड गेट के इनपुट पे अगर दोनों हाई होंगे तो आउटपुट हाई मिलेगा, और दोनों लो हो जाए या दोनों में से एक भी लो हो जाए तो आउटपुट लो, दोनों हाई पे आउटपुट हाई, और दोनों में से एक भी लो हो गया या दोनों लो हो गए तो आउटपुट जीरो, सही है। ऐसा करके हमने एक ट्रुथ टेबल यहां बनाई, सही। अब देखते हैं, अब ये जो ट्रुथ टेबल है इससे कंपेयर करते हैं। अगर तुम ए बी और जेड को देखोगे तो जो सेम ट्रुथ टेबल वो है वही है, ये देखिए ए और बी के जीरो 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 वन, वन जीरो वन वन, जीरो 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 वन, वन जीरो वन वन, करस्पॉन्डिंग आउटपुट वन जीरो 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 वन जीरो जीरो जीरो। इसका मतलब वो सर्किट वैसे ही काम कर रहा है जैसे ये सर्किट है। तो अगर दो सर्किट्स की ट्रुथ टेबल एक जैसी है तो आप क्या कहोगे कि ये जो दोनों सर्किट हैं वो एक जैसा काम कर रहे हैं, तो ये जो एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं ये भी सेम है। तो आप क्या कहोगे, ए प्लस बी का जो बार है दैट इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, समझे, सॉरी ए बार इंटू बी बार, सही। अच्छा हम ये बात जो है वो इस ट्रुथ टेबल को देख के कह सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि ये जो सर्किट है और वो जो सर्किट है वो एक जैसे हैं, सही है। तो आपने क्या किया कि भाई ये भी दिखाया कि ये हमारे पास एक नॉर गेट है, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू क्या, ये एंड गेट, और एंड गेट पे इनपुट पे क्या लगा दो, दो नॉट गेट लगा दो, सही है। तो जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है इसमें सर्किट ऐसा नहीं है कि कोई एक बना दिया तो अब वो हमेशा वैसे ही बनाना है। आपको अगर ये लगता है कि इसकी ट्रुथ टेबल वैसी ही है जैसी किसी और सर्किट की ट्रुथ टेबल है, तो आप उसको उससे रिप्लेस कर सकते हो, सही है। तो ये सिंपल सी बात यहाँ पर हमने समझाई। अच्छा इसमें आप ये भी कर सकते थे कि जो ए प्लस बी है उसको ऐसे भी लिख सकते थे, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बार इंटू बी बार का होल बार, यूं भी लिखा जा सकता था। देखिए yes, नहीं लिख सकते, अरे भाई ये यहाँ पर नॉट बार लगाने का मतलब क्या है, पलटना। एक काम करो एक बार और बार लगा दो, तो दोनों तब एक और बार बार लगा दिया, तो किसी भी चीज़ के ऊपर, यहाँ देखो ये अलग से बताते हैं, अगर ए बार के ऊपर बार लगाओगे तो वो ए ही तो होगा, बी के ऊपर बार के ऊपर बार लगा दो तो बी हो जाएगा, ऐसी ए प्लस बी के बार के ऊपर बार लगा दो तो वो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि किसी चीज़ को पलटने का काम होता है ये बार लगाना, तो दो बार पलटोगे तो वैल्यू हो जाएगी, जीरो को एक बार पलटेंगे वन, फिर दोबारा पलट देंगे जीरो, वन को एक बार पलटा जीरो, फिर दोबारा पलट दिया फिर वन बन जाएगा, तो दो बार पलट देने से वैल्यू सेम हो जाएगी। तो अगर आप इस पर बार एक इधर और लगा दो, एक बार इधर, भाई दोनों बराबर हैं दोनों तरफ बार लगा दीजिए, लगा दिया तो ये वाला बार और बार क्या हो जाएगा, सेम वैल्यू दे देगा आपको। तो ए प्लस बी इजकल टू ए बार इंटू बी बार के ऊपर होल बार, इसको आप सर्किट के तौर पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी देखिए। इसको आप ये कहोगे कि जो और गेट है दिस इज इक्विवेलेंट टू
एंड गेट लीजिए, उसके इनपुट्स पे नॉट गेट लगाइए और एक आउटपुट पे नॉट लगा दीजिए। बोलो, देख लो, ए प्लस बी तो ये हो गया, और ए बार बी बार के ऊपर बार, तो पहले तो यहाँ क्या करोगे, ए से ए बार बनाओगे, बी से बी बार बनाओगे, और फिर उसके बाद ये एंड लगाओगे तो क्या बन जाएगा, ए बार बी बार, उसके ऊपर एक और बार लगाए, मतलब एंड में एक नॉट और लगा दिया गया। तो ये सिंपल सी चीज़ है, कुछ भी खास नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, ट्रुथ टेबल बनाने की कोशिश करनी है। अगर आपने ट्रुथ टेबल जो है वो बना ली और वो आपको सेम लग रही है, दिख रही है, एक जैसी ट्रुथ टेबल है, तो आप कहोगे ये चीज़ और वो चीज़ आइडेंटिकल हैं। सही है, तो इसको नोट कर लीजिए। हाँ जी, तो ये आप लोगों ने देखा कि कैसे हम जो है ये थोड़ा ये समझ सकते हैं कि एक सर्किट दूसरे सर्किट के इक्विवेलेंट है, एक एक्सप्रेशन दूसरे एक्सप्रेशन के इक्विवेलेंट है। सही है, तो इसमें हम लोग जो है कुछ और भी वर्किंग ऐसी कर सकते हैं, जैसे हमने कहा भी ऐसा करो, एक नैंड गेट ले लो। नैंड गेट क्या होता है, जेड बराबर ए बी के ऊपर बार, एंड का मतलब ए बी, नैंड का मतलब ए बी के ऊपर बार। तो अगर आप यहाँ पर आउटपुट देखेंगे तो नैंड में जो आउटपुट मिलता है वो कुछ ऐसे होता है कि ए बी का मतलब हो गया कि अगर दोनों जीरो हैं या एक भी जीरो है तो आउटपुट क्या मिलता है, जीरो। ये तो ए बी का मतलब है, और आउटपुट दोनों वन होंगे तो आउटपुट वन। ये कब, जब अगर बार ना हो, सिर्फ एंड गेट हो। ये देखो, सिर्फ एंड गेट हो तो ये होता है केस। अगर आपने नैंड कर दिया, बार लगा दिया, तो ये सब पलट जाएंगे, ये सब पलट गए, जीरो जीरो जीरो, ये हो गए वन वन वन, और वन क्या हो गया, जीरो। सही है, ये कौन है, नैंड गेट। जो एंड गेट है उसके आगे क्या कर रखा है, एक नॉट गेट लगा रखा है। ठीक है, एंड गेट के आगे नॉट गेट, यानी एंड गेट के आगे गोला। लो जी, नैंड हो गया। अब हमने दूसरा एक्सप्रेशन एक कंसीडर किया, क्या, ए बार प्लस बी बार। ए बार प्लस बी बार का मतलब क्या हुआ वो समझिए, कि पहले ए से बनाया नॉट करके ए बार, बी से लगाया बी बार, और उसके बाद क्या लगाएंगे, प्लस, प्लस का मतलब और। ठीक, अब क्या होगा इसमें वो देखिए, अब इसमें जो आपका आउटपुट है उसका क्या मैटर रहेगा, कि ये और जो लग गया है, तो पहले तो ए से ए बार, बी से बी बार बनाया, तो ए और बी के ये चार वो हैं, ऑप्शंस हैं, या कह लो कि केसेस हैं, करस्पॉन्डिंग ए बार बी बार। अब और गेट क्या कहता है, कहता है दोनों में से एक भी इनपुट हाई हो जाए या दोनों हाई हो जाए तो आउटपुट वन होगा। दोनों हाई हुए तो आउटपुट वन, दोनों में से एक भी हाई तो आउटपुट वन, और अगर ये दोनों जीरो होंगे तो आउटपुट जीरो मिलेगा। हमने कहा ये और ये ट्रुथ टेबल तो एक जैसी हो गई, तो सेम हो गई, इसका मतलब ये दोनों एक्सप्रेशन भी एक जैसे हो गए। ए बी के ऊपर अगर बार लगा हुआ है तो वो इक्वल टू होगा ए बार प्लस बी बार। आप ये कह सकते हैं कि नैंड गेट जो होता है वो इक्विवेलेंट टू क्या होगा, कि पहले क्या करो, ए बार और बी बार बनाओ, और उसके बाद क्या कर दो, और गेट लगा दो। चाहिए, और इसमें मैं फिर यह भी कहूंगा कि अगर इसमें दोनों तरफ बार लगा दिया जाए, देख लो, तो ये दोनों को बार लगा दोगे तो ये बार के ए बी बार के ऊपर बार क्या बन जाएगा, ए बी, और उधर क्या बन जाएगा, ए बार प्लस बी बार के ऊपर होल बार। तो ये भी एक्सप्रेशन सही है कि ए बार प्लस बी बार के ऊपर होल बार लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि ए बी का मतलब है कौन सा गेट, एंड गेट, और वो किसके इक्विवेलेंट होगा, ए बार प्लस बी बार का होल बार। तो पहले आपको बनाना है ए बार, फिर बी बार, और फिर उनका करना है प्लस, प्लस का मतलब और गेट, और के बाद क्या लगा देना है, बार, बार का मतलब नॉट गेट। तो आप इस तरीके से भी ये कह सकते हैं कि ये एंड गेट इज इक्विवेलेंट टू दिस सर्किट। चाहिए, तो ये इक्विवेलेंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बेसिक गेट्स कौन से हैं, क्या है, वो तो ठीक है, वो तो आपको याद करना ही पड़ेगा, लेकिन ये जो मेन चीज़ है कि हम कहीं पर एक सर्किट कोई बना है, उसके इनपुट और आउटपुट को देख के उसकी ट्रुथ टेबल बनाए,
कोई और है उसकी ट्रुथ टेबल बनाएं, फिर ये देखें कि यार ये तो ट्रुथ टेबल एक जैसी आ गई, तो हम उन सर्किट्स को या उन एक्सप्रेशंस को एक दूसरे के बराबर कह सकते हैं। चाहिए ये और नोट करिए, हमने कई प्रकार के गेट जो है वो पढ़े, तो उसमें हमने नैंड गेट पढ़ा, नॉर गेट पढ़ा, ठीक है। तो जो नैंड गेट होता है या नॉर गेट होते हैं, ये क्या है, ये यूनिवर्सल गेट्स कहलाते हैं। स्पेशली हम नैंड गेट की बात कर लेते हैं, कोई एक गेट की बात कर लेते हैं, तो इसे नैंड गेट है, तो नैंड गेट को हम कहेंगे यूनिवर्सल गेट। इसका रीज़न ये होता है कि अगर हमारे पास बहुत से नैंड गेट्स अवेलेबल हैं, तो हम उनका इस्तेमाल करके, उनके कॉम्बिनेशन को यूज़ करके कोई भी और गेट बना सकते हैं। जैसे आपने नॉट पढ़ा, एंड पढ़ा, और पढ़ा, नैंड पढ़ा, नॉर पढ़ा, तो अगर मैं आपको बहुत सारे नैंड गेट्स दे दूं, तो फिर किसी और गेट की ज़रूरत नहीं है। आपको नॉट चाहिए वो भी उन्हीं से बन जाएगा, एंड चाहिए वो भी उन्हीं से बन जाएगा, और चाहिए वो भी उन्हीं से ही बन जाएगा, ठीक है। तो एक सिंपल सी चीज़ होती है, वो हम थोड़ा सा यहाँ पर समझना चाहेंगे। तो ये जो नैंड गेट है, नैंड है, नॉर है, ये कहलाते हैं यूनिवर्सल गेट्स, और वी कैन फॉर्म एनी अदर गेट बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली से नैंड गेट्स। नैंड भी कह सकता हूँ या सिर्फ नॉर गेट्स जो है वो, उनके कॉम्बिनेशन से भी हम बाकी बना सकते हैं। चलो तो हम नैंड की बात करते हैं। तो ये नैंड गेट जो हैं उनको देखेंगे। नैंड गेट ये होता है, ये देखो एंड गेट, और उसके आगे लगा होता है नॉट। अगर ये है ए, ये है बी, यहाँ पे क्या हो गया जेड, तो जेड को आप लिख लेते हो क्या ए बी के ऊपर बार, और आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार। अब हम ये देखना चाहेंगे कि कैसे ऐसे अगर कई गेट अवेलेबल हैं, तो उनके कॉम्बिनेशन का यूज़ करके हम अदर गेट्स बना सकते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले नॉट, नॉट गेट की। हाँ भाई, तो कोई नैंड गेट से नॉट गेट कैसे बनेगा वो देखिए। आपके पास एक नैंड गेट था, इसके दो इनपुट होते हैं, एक आउटपुट होता है। आप एक काम करिए, इसके दोनों इनपुट को जोड़ दीजिए, दोनों इनपुट को जोड़ के एक सिंगल जो है वो इनपुट बना लीजिए, और ये जो है इनपुट हो गया ए, और ये हो गया आउटपुट जेड। तो हम बताएंगे ये इक्विवेलेंट टू होगा एक नॉट गेट के, जिसमें इनपुट है ए, आउटपुट है जेड, और जेड बराबर क्या है ए बार। चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है, आप उसको ट्रुथ टेबल से समझ सकते हैं। कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर इसकी ट्रुथ टेबल बनाओ ए और जेड, तो यहाँ पर ए की दो वैल्यूज हो सकती हैं, जीरो और वन, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग जेड की वैल्यूज देखिए क्या होंगी। अगर आप यहाँ पर ए जीरो दोगे, तो देखो यहाँ जीरो है, तो समझो दोनों इनपुट जीरो हो गए। अब दोनों इनपुट जीरो होते हैं, तो एंड गेट का जो आउटपुट है वो होता है जीरो, और उसके आगे नॉट लगा हुआ है, तो जीरो से क्या बन जाएगा वन। और इसी तरह से अगर आप ए को वन कर दोगे, तो यहाँ वन कर दिया, तो दोनों इनपुट वन हो गए, तो एंड गेट का जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा वन, और नॉट के कारण वन क्या बन जाएगा जीरो। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँगा, तो इसकी जो ट्रुथ टेबल है वो वही बनेगी जो नॉट गेट की ट्रुथ टेबल है। तो ऐसे केस में मैं ये कहूँगा कि ये जो हमारा नैंड गेट है, अगर मैं इसके दोनों इनपुट को जोड़ देता हूँ, तो ये एक नॉट गेट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रुथ टेबल नॉट गेट वाली आ गई, जीरो को वन कर देता है, वन को जीरो कर देता है। चाहिए, हमने ठीक है, और भी कोई गेट बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। ये देखिए, आप बना सकते हैं एंड गेट। एंड गेट कैसे बनेगा वो देखिए, आपके पास ये एक नैंड गेट है, यस, इसके दो इनपुट हैं और एक आउटपुट है। आपने क्या किया, इसके आगे एक और एंड गेट लगाया, इसके आगे एक और एंड गेट लगाया, और उसके दोनों इनपुट जोड़ के यहाँ से कनेक्ट कर दिया। अब हुआ क्या कि ये जो सिचुएशन है, इसमें हुआ ये कि ये चीज़ समझिए ऐसे कि ये एक नैंड गेट है, और उसके आगे एक
नॉट गेट है। अच्छा ये जो जो गोला है ये भी तो नॉट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये ऐसे मान सकते हैं ये एंड, उसके बाद नॉट और उसके बाद नॉट। दो नॉट गेट का होना या ना होना एक ही बात है, क्योंकि अगर यहाँ जीरो है तो ये वन, तो फिर ये जीरो, ये वन तो यहाँ जीरो तो ये वन, तो ये दोनों नॉट गेट का मामला बेकार हो गया, तो हटा दो। और ऐसे केस में हम कहेंगे ये इक्विवेलेंट टू बन गया एक एंड गेट। देख लीजिए, तो इस तरीके से आप एंड गेट जो है वो बना सकते हैं, किससे? दो नैंड गेट्स के कॉम्बिनेशन से। एक नैंड गेट नॉर्मल ये लिया, दूसरा उसके आगे लगाया, उसके दोनों इनपुट जोड़ के इसका आउटपुट उसमें डाल दिया, बस बन गया। और आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बात करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसकी क्या बना लीजिए, ट्रुथ टेबल। और ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो इसकी ट्रुथ टेबल वैसी ही आएगी जैसी एंड गेट की होती है। हालांकि हमें यहाँ पर वो काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम ये ज़्यादा सिंपल तरीके से चीज़ जो है वो समझ लेते हैं, ट्रुथ टेबल बनाने की कोई ज़रूरत इसमें है ही नहीं। अच्छा, फिर किसी ने कहा यार और गेट बनाओ ज़रा इससे। तो और गेट देखिए बनाया जा सकता है। बिल्कुल, और गेट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि जैसे नैंड गेट है तो इसमें ये दो इनपुट हैं ए और बी, और ये है जेड। जेड बराबर क्या है, ए बार प्लस बी बार। तुम और गेट बनाना चाहते हो, और गेट क्या होता है, जेड बराबर ए प्लस बी। और गेट क्या होता है, जेड बराबर ए प्लस बी। तो तुम ये सोचते हो कि यार एक काम करूं मैं कि जो नैंड गेट है उसमें क्या होता है, उसमें जेड बराबर ए बार प्लस बी बार हो गया। तो तुम एक काम करो कि तुम चाहते हो इसमें ए प्लस बी बनाना, तो क्या करो कि जो भी तुम्हारा नैंड गेट है उसके इनपुट पे तुम ए और बी मत दो। ठीक है, कि जैसे आपने क्या किया कि अगर ये ए और ये बी दिया और यहाँ जेड देखा, तो ये जेड क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार। तुम एक काम करो, तुम इसके इनपुट पे दो ए बार और बी बार। अगर तुमने इसके इनपुट पे ए बार और बी बार दे दिया तो अब जेड क्या हो जाएगा, ए बार का बार प्लस बी बार का बार। ए बार का बार इज ए और बी बार का बार इज बी, तो जेड बराबर क्या आ गया, ए प्लस बी। देखो हो गया कौन, और गेट। और गेट यही तो होता है। तो ऐसे केस में हमने कहा यार इनपुट पे बस ए और बी नहीं देना है, ए बार और बी बार दे देना है, काम खत्म हो गया। यस, तो आपने क्या किया यहाँ पर, ये आपने लिया ए, ए को बनाना है ए बार, उसके लिए क्या करोगे, नैंड गेट यूज कर लोगे ऐसे दोनों इनपुट जोड़ के, और ये बन गया ए बार। अच्छा इधर बी, बी को बी बार बनाने के लिए नैंड गेट, दोनों इनपुट ऐड कर लीजिए, ये बन गया बी बार। और फिर उसके बाद इन दोनों को एक नैंड गेट के इनपुट में डाल दीजिए, तो जो आउटपुट आपका बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, जेड बराबर ए प्लस बी। और ऐसे केस में ये हमारा जो अरेंजमेंट है ये क्या बन गया, एक और गेट के इक्विवेलेंट बन गया। ये है ए, ये है बी, और इधर क्या, जेड बराबर ए प्लस बी। देख लीजिए, तो ये जो एक्सप्रेशन नैंड का हमने लिखा है कि नैंड में क्या होता है, जेड बराबर ए बी बार, यानी ए बार प्लस बी बार, तो उससे हमको तुरंत समझ में आ गया कि हम नैंड का यूज़ करके और कैसे बना सकते हैं। सही, और नॉर बनाना हो, ठीक है, नॉर बनाना हो तो इसके आगे आपको क्या करना पड़ेगा, एक नॉट और लगा दीजिए। ठीक है भाई, आपका जो और है इसके ऊपर बार लगाना है, ठीक है, तो वैसे काम हो जाएगा। तो अभी के लिए पहले इतनी चीज नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ये बात हो रही है नॉर गेट की, तो आपको चाहिए नॉर गेट। नॉर गेट ये कहता है कि भाई ये हमारा और गेट, और के आगे नॉट, ऐसे ये ए ये बी, और यहाँ पे हमको, सॉरी ये ठीक नहीं बना थोड़ा, यहाँ पे जेड, और जेड बराबर हमें चाहिए ए प्लस बी बार। सही है, जेड बराबर ए प्लस बी बार ये चाहिए हमें। तो हमने कहा भाई हमारे पास नैंड है, यस ये नैंड है हमारे पास, इसमें क्या होता है, ये ए ये बी, और यहाँ पे जेड क्या होता है, ए बी के ऊपर बार।
तो मैंने सोचा यार ऐसा है, यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बार इंटू बी बार। सही है। तो अब ए बार इंटू बी बार यहां पे कैसे होगा काम, तो उसका तरीका ये ए बार इंटू बी बार। तो मेरे को एक पहले तो एंड गेट लगाना पड़ेगा, मैं इस पे आ जा रहा हूँ बार बार, मुझे इस पे फोकस करना है। ठीक है, मुझे ये चाहिए ना, तो ये चाहिए, इस तक जाना है। तो इस तक जाने के लिए मैं क्या करूँगा कि पहले मैं ये सोचूंगा कि मुझे ए बार और बी बार जो है वो चाहिए होंगे। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले ए से लूँगा और उससे बनाऊँगा ए बार। ठीक, उधर लूँगा बी और बी से क्या बनाऊँगा, बी बार। बिल्कुल, ये बना दिया। फिर इन दोनों को करूँगा मल्टीप्लाई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का मतलब है इन दोनों के बीच में हमें क्या लगाना है, एंड गेट लगाना है। तो इन दोनों के बीच में हमें एंड गेट लगाना है। तो एंड गेट तो है नहीं मेरे पास, कोई बात नहीं है, मैंने कहा मेरे पास नैंड गेट है। ठीक, तो नैंड गेट को एंड बना के फिर मैं जो है वो इसके आगे लगाऊंगा। तो मेरे को क्या हुआ, इस टाइप की चीज़ करनी पड़ेगी कि भाई जो नैंड गेट है उसके आगे नॉट गेट लगा के उसको क्या बनाना पड़ेगा, एंड बनाना पड़ेगा, तब मेरा काम कंप्लीट हो पाएगा। चाहिए, ये हमने शुरुआत से बात करी फिर से कि क्या करना है, मेरे को ये चीज़ चाहिए नॉर, जिसमें होता है ए प्लस बी के ऊपर बार। मैंने कहा मैं इसे नैंड का यूज़ करके बनाना चाहता हूँ, तो मैंने इसको मल्टीप्लिकेशन यानी एंड वाले फॉर्मेट में लिख लिया। अब फिर ये सोचा कि भाई ये चीज़ कैसे लाऊं, तो पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा, ए से ए बार बनाना पड़ेगा, बना दिया। बी से बी बार बनाना पड़ेगा, वो बना दिया। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए एंड गेट लगाना पड़ेगा, तो एंड गेट है नहीं तो नैंड है, तो नैंड से क्या कर दिया, एंड बना दिया। ये फाइनल हमारा काम हो गया। और ये जो हमारा आउटपुट है यहाँ पर, ये आउटपुट आ जाएगा जेड बराबर ए बार इंटू बी बार, और ए बार इंटू बी बार इज ए प्लस बी का बार। और यहीं से हमें समझ में आ गया कि ये हमारे पास जो अरेंजमेंट बन गया है, ये बन गया है कौन सा गेट, नॉर गेट। सही है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर आपके लिए बना दी कि कैसे हम इसको जो नैंड है उससे नॉर बना सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने कहा भाई ऐसा है, जैसे यहाँ पर हमने नैंड का यूज़ करके नॉट बनाया, एंड बनाया, और बनाया, नैंड नॉर इन सब की बात करी, तो वैसे ही आप नॉर का यूज़ करके बाकी सारे गेट भी बना सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ जो है वो हम देख सकते हैं। हाँ जी, तो अगर हम नॉट बनाना चाहते हैं यूजिंग नॉर, तो क्या होगा, तो पहले तो नॉर बना लेते हैं। ये नॉर होता है भाई, मान लो मेरे पास खूब सारे नॉर गेट्स हैं और मैं जो है वो उनकी बात करना चाहता हूँ, तो नॉर गेट में ऐसा होता है कि जेड बराबर होगा ए प्लस बी के ऊपर बार। चाहिए, अब मेरे को नॉट बनाना है, तो मैं इसके दोनों इनपुट क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। अगर मैं इसके दोनों इनपुट जोड़ दूंगा और एक सिंगल इनपुट बना दूंगा, तो ये हमारा जो है वो नॉट गेट बन जाएगा। कैसे, क्योंकि अगर आप इसकी ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो इसकी ट्रुथ टेबल वही होगी जो नॉट गेट की है। अगर आपने यहाँ पे जीरो दिया तो ये दोनों जो है जीरो हो जाएंगे, और गेट का आउटपुट जो है वो जीरो हो जाएगा, और फिर नॉट के कारण हमको मिल जाएगा जीरो से वन। यही अगर आप इसको वन कर दें तो ये दोनों वन हो जाएंगे, दोनों वन हो जाएंगे तो और का आउटपुट वन हो जाएगा, और नॉट के चलते वन क्या बन जाएगा, जीरो। तो जीरो को वन बना देगा, वन को जीरो बना देगा, तो ये हमारा बन जाएगा नॉट गेट। फिर हमने कहा भाई कोई और गेट बनाना है, यस, आप इससे और गेट अगर बनाना चाहें और यूजिंग नॉर, तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा काम है, कुछ भी खास नहीं है। ये आपके पास नॉर गेट था, तो नॉर गेट जो है वो उसके आगे आपने क्या करना है, एक नॉट गेट लगा देना है। ये देखिए, नॉर के आगे नॉट लगा दिया। ये गोला ये नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नॉट हो गया, नॉट और नॉट कैंसिल हो गया, और आपके पास सिर्फ
और गेट बच जाएगा। इसको आप ऐसे देख सकते हैं, ये यूं, और इसके आगे ये गोले का मतलब है नॉट गेट। ये अगर नॉर के दोनों इनपुट जोड़ दोगे तो नॉर के दोनों इनपुट जोड़ के नॉट बन जाता है, हो गया। और हमारे को ये नॉट और नॉट दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और ये है ए बी, तो बस ये और गेट बन जाएगा, जेड बराबर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। तो ऐसे हम लोग बात कर सकते हैं और बना सकते हैं, और गेट बना सकते हैं, किसका यूज़ करके, नॉर का यूज़ करके। तो ये हमारा बस और गेट बन जाएगा, ठीक है, नॉर के आगे नॉट लगा देना। अच्छा, फिर हमने कहा भाई ऐसा है, अगर हम ये नॉर का यूज़ करके एंड बनाना चाहें, एंड यूजिंग क्या, नॉर, एंड गेट बनाना है। एंड गेट में क्या होता है, जेड बराबर ए बी, ठीक। तो मैंने कहा यार ऐसा है, मेरे पास जो नॉर गेट अवेलेबल है, ठीक है, मैं उसका यूज़ करता हूँ और उससे क्या बना लूँगा, नॉर गेट से एंड बना लूँगा। कैसे काम करोगे, उसके लिए आप ये सोचोगे कि भाई मेरे पास जो नॉर गेट है, अगर मैं उसके जो इनपुट हैं वो ए और बी की जगह ए बार और बी बार कर दूं, ये मैं उसी ये चीज़ मुझे पता है कि मैं नैंड से और कैसे बनाता था, तो मैं क्या करता था, उसमें जो इनपुट है वो ए बार और बी बार ले लेता था। तो मैंने कहा वही चीज़ यहाँ पे याद रख लेंगे कि यहाँ पे जो इनपुट है वो ए बार और यहाँ जो इनपुट है वो ले लेंगे बी बार। तो ऐसे केस में आपका जो आउटपुट है वो क्या मिलेगा, तो पहले और है, और ए बार और बी बार को क्या बना देगा, ए बार प्लस बी बार, उसके आगे नॉट है तो वो क्या कर देगा, पूरे के ऊपर बार, ऐसा कर देगा, ठीक है। अब जब ये बार आप करोगे तो दो चीज़ों का सम है, उस पर आपने बार लगाया है, तो वो बन जाएगा ए बार का बार इंटू बी बार का बार। ए बार का बार इज ए, बी बार का बार इज बी, तो जेड बराबर क्या हो गया, ए बी। तो ये बन गया एंड गेट। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये नॉर गेट लेना है, और नॉर जो है उसके इनपुट को आपको ए नहीं ए बार, तो यहाँ तो आपके पास तो ए है, तो ए से पहले बनाओगे ए बार, वही नॉर से नॉट बना के ए से ए बार बन गया। और इधर बी है आपके पास, तो नॉर से नॉट बना के आपको क्या मिल गया, बी बार मिल गया, ये ए बार, ये बी बार, और इधर जो है फिर एक और नॉर लगाएंगे तो जो आउटपुट है वो आपका जेड क्या हो जाएगा, ए बी, और ये एक क्या बन गया, आपका एंड गेट बन गया, ए बी, और इधर जेड, जेड बराबर ए बी, ये आ गया। और अगर आपको फिर नैंड बनाना है तो बस इसी में ही आगे एक नॉट और लगा देंगे, ठीक है। तो नैंड यूजिंग नॉर, अगर ये काम मेरे को करना है तो मैं ये स्ट्रक्चर बनाऊंगा बिल्कुल सेम, ए बी इधर आ गए, इधर बना लिया ए बार, इधर ये बन गया बी बार, और उसके बाद एक हम लगाएंगे क्या, नॉर गेट फिर से, और उसके आगे एक लगाएंगे क्या, नॉट गेट। तो नॉट के लिए क्या करना है, फिर वही दोनों इनपुट जोड़ के आपका क्या बना देते हैं, नॉर। तो यहाँ तक था आपका एंड गेट, एंड के आगे एक नॉट लग गया तो क्या बन गया, नैंड गेट बन गया। तो ये आपका इक्विवेलेंट, यहाँ पे जो जेड है, जेड आपका हो जाएगा ए बी के ऊपर बार, और ये इक्विवेलेंट टू हो गया एक नैंड गेट, ए बी और ये जेड, जेड बराबर ए बी के ऊपर बार। तो ऐसे हम लोग जो भी हमारे पास ये गेट है, जैसे नॉर गेट है, तो अगर खूब सारे नॉर गेट दे दिए जाएँ तो उससे बाकी कोई और गेट बना सकते हैं। इससे पहले आपको नैंड के बारे में बता दिया, खूब सारे नैंड गेट दे दिए जाए तो उनके कॉम्बिनेशन से कोई भी और गेट बनाया जा सकता है। तो ये बड़ा पॉपुलर चीज़ है, हालांकि बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत पॉपुलर है, इम्पॉर्टेंट है, तो इसको एक बार ठीक से लिख लेंगे। फिर हम लोग जब ये एंड गेट और गेट इनके बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो और ये 0-1 वाले सिंबल्स ये सब यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग कुछ चीज़ें जो है वो लिख सकते हैं क्या, जैसे देखिए कि भाई अगर कहीं पे लिखा है 0 × 0 तो उसकी वैल्यू हम लिखेंगे 0, 0 × 1 है तो उसको लिखेंगे 0, 1 × 0 इसको लिखेंगे 0, 1 × 1 इसको लिखेंगे 1। वैसे तो ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करें
तो कोई कहेगा कि इसमें कौन सी खास बात है, ठीक है, जीरो इंटू जीरो जीरो ही होगा, जीरो से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो जीरो आएगा, वन इंटू वन वन। बट हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो हम वर्किंग यहाँ पे कर रहे हैं, ये वो डिजिट्स वाले जीरो और वन नहीं है, ये तो सिंबल्स हैं। ये सिंबल्स हैं जो वो हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज को रिप्रेजेंट करने के लिए थे, सही है। और यहाँ जो इनको साथ में लिखा है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इसका मतलब है कि इन ये दो सिग्नल्स हैं या दो वोल्टेजेस हैं जिनको आप इनपुट की तरीके से ले रहे हो एक एंड गेट के। जैसे आप लिखते हो ना एंड गेट में जेड बराबर ए बी, तो ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं है। इसका मतलब है कि अगर आप कोई एंड गेट ले रहे हैं और एंड गेट के जो इनपुट हैं वो आप जो है वो लेते हो ए और बी और आउटपुट लेते हो जेड, तो जेड बराबर क्या लिखते हो ए बी। तो अब इसमें जो ट्रुथ टेबल होती है वो क्या होती है, ऐसे जीरो जीरो पे आउटपुट जीरो, जीरो वन पे जीरो, जी वन जीरो पे जीरो और वन वन पे वन। तो ये एक्चुअल में ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि जीरो और जीरो अगर किसी एंड गेट के इनपुट की तरीके से होंगे तो जो आउटपुट है वो जीरो मिलेगा। ये यहाँ ये रिप्रेजेंटेशन है, जीरो इंटू वन बराबर जीरो, इसका मतलब किसी एंड गेट के इनपुट पे जीरो होगा, दूसरा इनपुट वन होगा, तो आउटपुट क्या मिलेगा जीरो। वन इंटू वन बराबर वन ये बता रहा है क्या कि हाँ कि अगर जो है दो इन दोनों इनपुट आपके हाई हैं तो आउटपुट भी क्या मिलेगा हाई मिलेगा। तो ये वो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन वाली चीज नहीं है, आप इसको एडिशन वाले उसमें ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे। कि जैसे होता ये है कि कहीं पर जीरो प्लस जीरो लिखा हो तो आप क्या लिखते हो उसको जीरो, जीरो प्लस वन लिखेंगे तो क्या लिखोगे वन, वन प्लस जीरो लिखोगे तो क्या लिखोगे वन। लेकिन अगर वन प्लस वन किया जाए तो नॉर्मल कोर्स में आप वन प्लस वन क्या लिखेंगे टू, बट यहाँ पे वन प्लस वन जो है वो काउंटिंग वाला वन ओ वन नहीं है, ये हाँ हाई और लो वाला। तो और ये बीच में जो प्लस है ये एडिशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है और गेट को। तो यहां पे आपका वन प्लस वन टू नहीं होगा, वन प्लस वन क्या होगा वन होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि भाई ये आपने और गेट बनाया और इसका जो इनपुट है ए और बी, तो आउटपुट है जेड बराबर ए प्लस बी। तो इसमें जो ट्रुथ टेबल है वो ये कहती है कि अगर जीरो 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 वन, वन जीरो वन वन, तो आउटपुट इसमें मिलता जीरो और तीनों मिलता क्या वन। ये वाला जो लास्ट वाला है वन वन वाला, उसका आउटपुट टू नहीं होता है, उसका आउटपुट वन होता है, सही है। तो ये छोटी सी बात जो है वो हमको समझनी है कि अगर हम ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं और ये जीरो और वन सिंबल्स की बात कर रहे हैं, तो ये जीरो और वन सिंबल काउंटिंग को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं कि जीरो का मतलब कोई चीज़ नहीं है और वन का मतलब एक ऑब्जेक्ट है, ये नहीं है। जीरो और वन सिंबल्स हैं जो हाई और लो वोल्टेजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है वो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन नहीं है, वो एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन है, ये एंड ऑपरेशन और ये और ऑपरेशन है, ठीक है। तो आप इसको बात को समझेंगे कि भाई वन प्लस वन टू नहीं होगा, वन प्लस वन क्या होगा वन होगा इसमें। अच्छा और कुछ चीज़ें हम लोग जो है इसमें जो सिंबल्स हैं उसके ऊपर लेके कर सकते हैं, जैसे कहीं पे लिखा जाए ए इंटू ए, ए इंटू ए क्या होगा ए होगा, ए इंटू ए का स्क्वायर नहीं होगा, ए इंटू ए क्या होगा ए। मतलब क्या भाई, अगर ए जीरो है तो जीरो इंटू जीरो भी जीरो होगा, और अगर ए वन है तो वन इंटू वन भी वन होगा, जीरो इंटू जीरो भी जीरो और वन इंटू वन भी वन। तो ए इंटू ए भी ए क्या है ए, ए इंटू ए क्या है ए, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी एंड गेट के दोनों इनपुट सेम हैं तो आउटपुट जो जेड है वो भी क्या होगा ए ही होगा। क्यों, क्योंकि अगर इसे जीरो और इसे जीरो कर दोगे दोनों जीरो तो आउटपुट जीरो, और इसे वन और इसे वन कर दोगे दोनों वन तो आउटपुट वन हो जाएगा। हाँ सही है। अच्छा और देखो, अगर हम कहीं पर लिखते हैं ए प्लस ए, तो ए प्लस ए क्या टू ए नहीं होगा, ए प्लस ए क्या होगा ये भी ए ही होगा। क्यों,
क्योंकि इसका मतलब हो गया कि कोई और गेट है और गेट के दोनों इनपुट क्या हैं सेम, तो Z बराबर क्या हो जाएगा A। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ जीरो है और ये जीरो है तो आउटपुट जीरो मिलेगा, और ये वन तो आउटपुट भी क्या वन, जो इनपुट वही आउटपुट। ओके, फिर हमने कहा अच्छा और आओ जरा, A इंटू जीरो बराबर क्या होगा, A इंटू जीरो बराबर जीरो, क्योंकि एंड गेट का अगर एक इनपुट है ए और दूसरा इनपुट आपने जीरो दे दिया तो आउटपुट डेफिनेटली जीरो मिलेगा। एंड गेट का कोई भी एक इनपुट जीरो हो जाए, एंड गेट का कोई भी एक इनपुट जीरो हो जाए, चाहे ए या बी या दोनों, तो आउटपुट क्या मिलता है जीरो। आउटपुट वन तभी आएगा जब दोनों वन होंगे। तो अगर तुमने ये कह दिया कि एक इनपुट जीरो है तो आउटपुट डेफिनेटली जीरो होगा। ये दूसरा इनपुट कुछ भी होता रहा, ये जीरो है तो भी जीरो और जीरो जीरो होगा, और ये वन है तो भी वन इंटू जीरो भी क्या होगा जीरो। अच्छा, ए प्लस जीरो बराबर क्या होगा, ए प्लस जीरो ए होगा, ए प्लस जीरो क्या होगा क्या, अरे ए वन हो गया तो अरे ए अगर जीरो है तो जीरो प्लस जीरो जीरो होगा, और ए अगर वन है ठीक है तो वन प्लस जीरो क्या है वन, मतलब जो ये अगर ये चीज जीरो है, इन दोनों पे ध्यान दीजिए, अगर ये चीज जीरो हो गई तो जो ये है वही यहाँ पे आउटपुट होगा। अगर ये जीरो है तो ये जीरो होगा आउटपुट, ये वन है तो ये आउटपुट क्या होगा वन। मतलब इसका क्या कि अगर आपने एक और गेट लगा दिया और गेट का एक इनपुट ए और दूसरा इनपुट जीरो ले लिया तो आउटपुट जेड क्या होगा ए। क्यों? क्योंकि इसे जीरो लोगे तो आउटपुट जीरो आएगा, और इसे वन लोगे तो आउटपुट, तो मतलब इस केस में अब ये इससे कोई मतलब नहीं, जो ये होगा वही यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। इसको जीरो ले लो तो यहाँ जीरो आ जाएगा, इसको वन ले लो यहाँ पे वन आ जाएगा, समझे। अच्छा, अब आ जाइए ए इंटू वन पर, ए इंटू वन पे ए, अगर एंड गेट है उसका एक इनपुट है ए और दूसरा इनपुट है वन तो आउटपुट जेड क्या होगा ए होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये जीरो है तो एंड गेट में जीरो आ गया इनपुट, जीरो और वन इनपुट होने पे आउटपुट क्या होता है जीरो, और अगर इनपुट वन है तो वन और वन आउटपुट इनपुट होने पे आउटपुट क्या आता है वन, तो जो ए वही जेड, जो ए वही जेड। आप चेक कर लीजिए कि भाई अगर आपने एक इनपुट वन ले लिया है, ये वाला इनपुट क्या ले लिया वन, तो जो ये दूसरा होगा ये जीरो तो आउटपुट जीरो, ये वन तो आउटपुट वन, तो इस पे से डिपेंडेंस खत्म हो जाएगी, ये जीरो तो जीरो, ये वन तो वन, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा ए। अच्छा, ए प्लस वन क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर और गेट तुमने ले लिया और एक इनपुट ए है दूसरा इनपुट वन है तो आउटपुट डेफिनेटली क्या होगा वन, क्योंकि और गेट में क्या होता है कि कोई भी एक इनपुट वन हो जाते ही आउटपुट वन हो जाएगा। अगर तुमने इसका कुछ भी वैल्यू लिया और ये कह दिया कि बी वन है तो बी वन है तो जेड की वैल्यू वन मिलेगी, ए चाहे कुछ भी होता रहे, समझे। ए जीरो होगा और बी वन है, ये जीरो और ये वन तो आउटपुट वन, ये वन और ये वन तो भी आउटपुट क्या होगा वन, ठीक है। अच्छा, कहीं पर हमने लिखा ए प्लस ए बार, ए प्लस ए बार वन हो जाएगा, ए प्लस ए बार क्या हो जाएगा वन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई आपने और गेट ले लिया, उसके एक इनपुट पे दिया ए, दूसरे पे दिया ए बार, तो आउटपुट क्या हो गया जेड, ये जेड होगा वन। क्यों? क्योंकि अगर आप ट्रुथ टेबल बनाओगे इस केस में, इस केस में ट्रुथ टेबल बना लीजिए, तो ए और जेड ट्रुथ टेबल बनाओ, अगर ए को जीरो लोगे तो ये जीरो और ये वन, और गेट का एक इनपुट जीरो एक इनपुट वन तो आउटपुट होगा वन, और अगर तुमने ए को वन ले लिया तो ये वन तो ये जीरो हो जाएगा, तो और गेट का एक इनपुट वन दूसरा जीरो तो भी आउटपुट क्या मिलेगा वन। तो ट्रुथ टेबल ये कहती है कि ए की वैल्यू कुछ भी होती रहे आउटपुट हमको जेड क्या मिलेगा वन मिलेगा, तो इसीलिए ए प्लस ए बार बराबर क्या होगा वन, सही है। ऐसे ही अगर कहीं पर लिख दिया जाए ए इंटू ए बार, ये जीरो हो जाएगा,
ए इंटू ए बार जीरो हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर बनाओगे एंड गेट, एक इनपुट ए, एक इनपुट ए बार और ये आउटपुट जेड, तो जेड बराबर ए इंटू ए बार और ये वैल्यू जीरो आएगी, ये वैल्यू जीरो आएगी। क्यों? क्योंकि अगर आपने ट्रुथ टेबल बनाई यहाँ पर तो ए की दो वैल्यूज हो सकती हैं, जीरो और वन। अगर ए जीरो है तो ए बार वन हो जाएगा। अब एंड गेट में एक इनपुट जीरो एक वन तो आउटपुट जीरो, और अगर ए वन ले लोगे ये वन तो ये जीरो हो जाएगा। फिर वही बात, एंड गेट में एक इनपुट वन एक इनपुट जीरो तो आउटपुट जीरो। तो जेड को तो जीरो ही होना है, ए की वैल्यू चाहे कुछ भी होती रहे, ठीक है। तो मैं बस यहाँ पर आपको ये बताना चाह रहा था कि जैसे कहीं पर हम ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं, ये जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं उनकी बात कर रहे हैं, इनपुट हैं वो जीरो और वन वाली ही बस वैल्यूज़ ले रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो उन्हें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन नहीं, एडिशन को मानना है और ऑपरेशन, और मल्टीप्लिकेशन को क्या मानना है? एंड, ठीक है। तब आप जो है वो वहाँ जो भी हो रहा है उसको इजीली समझ सकते हैं, और बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो क्या कहते हैं जिसमें दिमाग पे जो देना हो कुछ भी कठिन हो, ठीक है। और ये इस टाइप के जो है ये जो चीज़ें हैं ये इजीली हम लोगों को याद भी हो जाती हैं, कुछ ऐसा खास इनमें नहीं है, चाहिए तो इसको नोट कर लीजिए। बाकी वो जो बताया था, हाँ वो जो कल हमने बताया था ना कि वो बार अगर लगाते हैं तो एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी ऐसी चीज़ है जो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ कि ए बी बार अगर है तो वो क्या होता है? ए बार प्लस बी बार, और ए प्लस बी का बार है तो वो इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बार इंटू बी बार। बहुत से लोग इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, ए बी बराबर ए बार प्लस बी बार का होल बार, ऐसे भी लिख लेते हैं इसको, चाहिए। अरे यार दोनों तरफ बार लगा दो ना, तो ये बार के ऊपर बार वो तो हट जाएगा बार, क्योंकि दो नॉट गेट का मतलब कुछ भी नहीं है। और इसको जो है वो आप कैसे लिख सकते हो? इसको ऐसे लिख सकते हो, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बार इंटू बी बार का होल बार, चाहिए। तो ये आप एक बार और लिख लीजिएगा, हालांकि ये हमने कल भी बात करी थी इसकी लास्ट क्लास में, आज फिर बात कर लेंगे, सही। तो नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। फिर कहीं पर अगर कोई लॉजिक गेट्स को यूज़ करके कोई हमने सर्किट बना दिया, मतलब कई लॉजिक गेट्स का कुछ कॉम्बिनेशन ले लिया, उनमें कुछ इनपुट दे दिए, कुछ आउटपुट निकल रहा है, ठीक है, तो सर्किट को देख के हमें ये प्रेडिक्ट करना है कि भाई ये सर्किट ओवरऑल किस तरीके से बिहेव कर रहा है, ठीक है। क्या उस सर्किट को हम रिड्यूस करके ये मान सकते हैं कि वो बहुत सारे गेट्स के कॉम्बिनेशन की जगह एक सिंगल गेट माना जा सकता है, या बहुत सारे गेट्स हैं तो रिड्यूस करके कुछ कम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जनरली क्या होता है कि आपको कोई बड़ा सर्किट दे रखा है तो आपको उसकी ट्रुथ टेबल बना लेनी होती है, ठीक है। जो भी इनपुट्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन है उनके करस्पॉन्डिंग आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, फिर उस ट्रुथ टेबल को देखकर आप अपना बात समझ लेते हो कि यार ये ओवरऑल एंड गेट है या नैंड गेट है या और गेट है या नॉर गेट है, किस तरीके से ये सर्किट हमारा काम कर रहा है, ठीक है। तो हमने कहा भाई ऐसा है, एक हमने एग्जाम्पल ले लिया ऐसे है कि किसी जगह पर इस टाइप से एक सर्किट दे रखा था, ये दो इनपुट हैं ए और बी, ये नैंड गेट लगाया, इधर बी से तार खींचा, ये नॉट लगा दिया, और यहाँ पर फिर से एक आपने क्या कर दिया, नैंड गेट लगा दिया, और ये आउटपुट बना दिया क्या? जेड। अब हम इसकी जो ट्रुथ टेबल है वो बनाना चाहते हैं, ठीक है। और ट्रुथ टेबल बनाकर अगर इसको थोड़ा सा हम रिड्यूस कर सकते हैं या ये समझ सकते हैं कि ओवरऑल ये सर्किट किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे जानना चाहते हैं। तो अब ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं कि जैसे आपने ये लिख लिया इनपुट कौन है ए और बी, आउटपुट कौन है जेड। अब इनपुट के जो भी डिफरेंट ऑप्शंस या कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं वो लिख लेने। इनपुट के क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं? भाई दो इनपुट हैं तो दोनों जीरो हो सकते हैं, ये जीरो ये वन, ये वन ये जीरो, या दोनों वन। अब आपको क्या करना है, इन चारों केसेस जो हैं इनमें आउटपुट जेड की वैल्यू देखनी है और उसको यहाँ पर फिल करना है। जब आप इसको फिल कर लेंगे तो आपको सिचुएशन काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी कि भाई ये सर्किट कैसे काम कर रहा है,
सही है। तो जरा इसमें ये सवाल लिखिए और इसमें ट्रुथ टेबल में जेड की वैल्यू भरने की कोशिश करिए। हाँ भाई, तो ट्रुथ टेबल बन गई, क्या बना दी ट्रुथ टेबल, 0101 ऐसे ट्रुथ टेबल आ जाएगी। हम इसको समझ लेते हैं यहाँ पर कि भाई अगर आप पहला वाला केस लेते हैं 0 और 0, अगर आपने यहाँ पे लिया 0 और यहाँ लिया 0, तो ये 0 और 0 तो एंड के आउटपुट क्या होगा, 0, और उसके बाद ये नॉट है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 1। अच्छा, इधर ये 0 है या नॉट लगा है तो ये क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया, 1 और 1 तो आउटपुट 1, और नॉट के कारण क्या हो जाएगा, 0। तो हमारा जो पहला केस है कि जब आप ए और बी दोनों की वैल्यू 0 लेते हैं, तो ऐसे केस में आपका जो आउटपुट है वो 0 आएगा। कैसे, आप देख लीजिए, यहाँ से चले 0 और 0 लिख लिए, एंड पहले एंड के बारे में सोचो, तो 0 और 0 इनपुट तो एंड का आउटपुट 0 मिलेगा। फिर नॉट, गोला मतलब नॉट, तो नॉट क्या करेगा, 0 को क्या बना देगा, 1, वो यहाँ आ गया। इधर 0 को नॉट 1 बना देगा, यहाँ आ गया। फिर 1 और 1 एंड के बारे में सोचिए पहले, तो 1 और 1 को एंड 1 बना देगा, और फिर ये गोला यानी नॉट वो 1 को 0 बना देगा। फिर मैं अगर यहाँ पर वर्किंग करता हूँ 0 और 1 का केस, तो वो देखिए इधर 0 इधर 1, अगर ये 0 और 1 है तो भी आउटपुट यहाँ पे 0 मिलेगा और यहाँ पे 1 आएगा, और ये 1 है तो यहाँ पे इनपुट क्या हो जाएगा, ये आउटपुट क्या हो गया, 0। 1 और 0 का आउटपुट यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 0 को नॉट क्या बना देगा, 1। फिर 1 और 0 पे आ जाइए, यहाँ पे 1, यहाँ पर है 0, तो ऐसे केस में ये 1 और 0, तो ऐसे केस में यहाँ जो एंड का आउटपुट है वो 0 हो जाएगा, और नॉट उसके आउटपुट को 1 बना देगा। यहाँ पे 0 0 को 1 बना दिया गया। अब 1 और 1 तो एंड का आउटपुट 1 और नॉट के कारण आउटपुट 0, तो 1 और 0 पे आउटपुट क्या हो गया, 0। फिर लास्ट आ गया 1 और 1, ये 1 और 1 हो गया। अगर ये 1 और 1 है तो यहाँ पर जो एंड है उसका आउटपुट होगा 1, नॉट 1 को क्या बना देगा, 0, और यहाँ 1 को नॉट क्या बना देगा, 0। एंड के दोनों इनपुट 0 होंगे तो आउटपुट एंड का हो जाएगा 0, और 0 को नॉट क्या बना देगा, 1। ये लीजिए, ठीक है। तो ये आप लोग अलग अलग केस अपने डायग्राम बना के लिख सकते हैं, जैसे चाहे बस कर सकते हैं। ये हमने आउटपुट यहाँ पर लिख दिए। अब अगर हम इसको देखें तो आपको ये ट्रुथ टेबल देख के समझ में आ जाएगा कि यार ये तो सर्किट किसी काम का ही विशेष नहीं है। इसमें ये ट्रुथ टेबल क्या रिप्रेजेंट कर रही है, जेड बराबर बी। अरे जो बी है जेड वही है, ए कुछ भी हो उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, जेड बराबर बी। अच्छा, बहुत से लोग यहाँ पे इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। वो देखिए कि जैसे आपने क्या किया कि भाई यहाँ पर पहले जेड को जो है वो ए और बी के टर्म्स में इस सर्किट को देख के लिखा। कैसे, वो देखिए, ये अगर ए और ये है बी, तो यहाँ क्या मिलेगा, ए बी के ऊपर बार, और ये बी है तो यहाँ क्या मिलेगा, बी बार। अच्छा, ये ए बी बार, ये बी बार, तो यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो ए बी बार और बी बार को करेंगे मल्टीप्लाई, और उसके ऊपर होल के ऊपर लगाएंगे बार। क्यों, क्योंकि ये जो एंड है, अगर सिर्फ एंड होता तो ये और ये बस मल्टीप्लाई होकर लिख जाते, और नैंड है, गोला लगा है, तो इसके ऊपर क्या लगेगा, बार लगेगा। तो जेड को आप ऐसे लिख सकते हैं, ए बी बार इंटू बी बार और होल के ऊपर बार, समझे, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम ये बताएंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है देखने में तो कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, बट एक्चुअल में ये एक्सप्रेशन बी के ही बराबर है। कैसे, ट्रुथ टेबल से दिख रहा है। ट्रुथ टेबल से आप देख सकते हैं कि ये जो चीज जहां लिखी गई है ये एक्चुअल में किसके बराबर होगी, बी के बराबर। अच्छा, अभी अभी हमने कुछ छोटी छोटी चीजें सीखी थी, हम उसका इस्तेमाल करके इसको रिड्यूस करके भी बी दिखा सकते हैं, ट्रुथ टेबल बनाने की भी जरूरत नहीं थी। ठीक है, ये ट्रुथ टेबल अगर नहीं बनाता मैं, तो मैं सिर्फ इसको एक्सप्रेशन को वो लिख लेता और उसको रिड्यूस करके बी दिखा सकता हूँ। कैसे, वो देखिए, दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन ऊपर लगा है बार, एड का दो अलग अलग, तो ए बी बार
के ऊपर बार प्लस बी बार के ऊपर बार, दो ए बी बार, दो बार बार हटा दो, बार किसी काम का नहीं, ए बी प्लस बी, इसमें बी कॉमन ले लो तो हो जाएगा ए प्लस वन इंटू ए प्लस वन क्या हो गया वन, वन इंटू बी क्या हो गया बी, खत्म। तो ऐसे करके आप बिना ट्रुथ टेबल, जैसे अभी हमने ट्रुथ टेबल में हमें ये चार बार चेक करना पड़ रहा कि हाँ भाई ऐसे, तो उसकी जगह आप ये एक्सप्रेशन ऐसे लिख लो, और अगर आप ऐसे रिड्यूस कर सकते हो तो यूं भी काम कर सकते हो। हालांकि इसमें एडवाइजेबल यही होता है कि कोई भी आपको सर्किट अगर दिखाया जा रहा है तो आप उसमें ट्रुथ टेबल बना के काम करिए, वो बेस्ट होता है, ठीक है। वही आपसे उम्मीद भी करी जाती है, ये चीज़ आपसे एक्सपेक्ट करी भी नहीं जाती है कि आप ये काम करेंगे, ठीक है। ट्रुथ टेबल वाली चीज़ आपसे एक्सपेक्ट करी जाएगी, वो सही से आपको समझ में आना चाहिए कि मैं कैसे यहाँ पर ये जीरो जीरो लूँगा तो आउटपुट क्या मिलेगा, अब जीरो वन पर क्या मिलेगा, ये आपको यहाँ सर्किट को देख के लिखना सीखना पड़ेगा, चाहिए नोट कर लीजिए।